बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं एकम पांडा यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ये वीडियो पिछली सीरीज़ प्रोडक्ट हंट सीरीज़ की फोर्थ और फिफ्थ वीडियो होगी जो आप देख रहे होंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग का एक और मेथड जो कि वेरी यूनिक मेथड है, उसको कैसे आप देख सकते हैं, उसके थ्रू कैसे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम डॉट सर्च करेंगे जस्ट द्राज की सर्च बार के अंदर। तो वो उसने तकरीबन मुझे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तेह हज़ार लाख तेह लाख एक करोड़ तकरीबन 70 लाख प्रोडक्ट उसने निकाल के दे दिए हैं, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दह हज़ार लाख तेह लाख करोड़ 1,70,00,000 ही है। मैंने रिपीट करके ज़रा कंफर्म कर लिया कि ये उसने दराज के सर्च में से मुझे प्रोडक्ट्स निकाल के दे दिए हैं। अब हमारे पास सेलर डैश है, अब मुझे कीवर्ड याद करने का कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट कैटेगरी याद करने का कोई मसला नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पर 4-स्टार रेटिंग का फ़िल्टर अप्लाई कर लूँगा। जब 4-स्टार रेटिंग का फ़िल्टर अप्लाई कर लूँगा तो वो 1,10,00,000 रह गई होंगी। अब इधर से मैं अगेन टॉप सेल की कीवर्ड को टॉप सेल के उसको फ़िल्टर को अप्लाई कर लूँगा। तो टॉप सेल के फ़िल्टर को जब अप्लाई किया और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स को सेलर डैश के थ्रू एवेल्युएट करना स्टार्ट कर देना है और वो मुझे डेली यूनिट यानी लास्ट 7 डेज यूनिट बताना स्टार्ट कर देगा, लास्ट 30 डेज यूनिट बताना स्टार्ट कर देगा और टोटल सोल्ड काउंट बताना स्टार्ट कर देगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि जो प्रोडक्ट ब्रांड्स की होंगी आपने वो नहीं सेल करनी, ना वो आप सेल कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड कैटेगरीज हैं, जिनका आगे से जाके आपको मैं बताऊँगा, जो कि हेल्थ ब्यूटी ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट आपके जिस्म के साथ टच हो रही हैं या आप अपने जिस्म के वो इनटेक कर रहे हैं यानी आप निगल रहे हैं, ऐसी वो सारी प्रोडक्ट जो है वो दराज ने गेटेड रखी हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंसानी जो ह्यूमन बॉडी है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे टॉप पे जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है वो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इम्यूलूजन है। आई डोंट नो, ये ब्यूटी क्रीम है, बेसिकली होमो ब्यूटी क्रीम है। और इसकी जो सेल्स हैं वो माइंड ब्लोइंग है। 5,000 यूनिट ये वीकली बेच रहा है और 19,000 यूनिट महीने का सेल कर रहा है और ऑल टाइम तकरीबन 3,40,000-50,000 यूनिट बेच चुका है। आई थिंक सो मेरी लाइफ की ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मैंने देखी है। मैंने भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दराज पे देखी है उनमें से ये एक प्रोडक्ट है। इसकी जो 7 डेज सेल्स है, अकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दह हज़ार लाख दह लाख, तकरीबन 44,00,000 रुपया 7 दिन का इसका रेवेन्यू है। और जो इसके लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दह हज़ार लाख दह लाख करोड़, 1,78,00,000 रुपए की सेल्स लास्ट 30 डेज़ में इसने की है। और मैं तो टोटल सेल्स की कैलकुलेशन करने के लिए बेताब था। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दह हज़ार लाख दह लाख करोड़ दह करोड़, इट्स मीन 31,93,36,830 रुपए की सेल हुई है अभी तक इस पर्सन ने सेल की है, 31,00,00,000 रुपए की सेल। डिड यू इमेजिन, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक दराज का सिंगल सेलर, उसकी एक सिंगल प्रोडक्ट इतनी हिट हो गई है, इतनी वायरल हुई है कि उसने अभी तक 31,00,00,000 रुपए की ये प्रोडक्ट सेल कर दी है। आपको यकीन ना आए तो आप जाके ख़ुद भी देख सकते हैं, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके को आप फॉलो करके। तो इट्स मीन जो आपको अभी तरीका बताया जा रहा है ये इतना वायबल है कि आपको इसमें से बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलने वाली हैं। इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं आप, 35,000 रिव्यूज़ हैं ऑल ओवर अभी तक, 4.4 स्टार है और ड्रीम वाइट के नाम से जो प्रोडक्ट है ये सेल कर रहे हैं। इस स्टोर को भी लाजमी देखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोर होगा, ये मोटिवेशन होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, आप व्यूवर्स के लिए भी, क्योंकि इसमें से हो सकता कुछ आइडियाज़ मिल सके मुझे, इस कैटेगरी के मुतलिक आइडिया मिल सके कि मैं किस किस्म की प्रोडक्ट्स के अंदर काम करूँ और ये सेलर और क्या क्या बेच रहा है और इसके अभी तक ऑल टाइम बेस्ट स्टैट्स क्या हैं। इसके बाद ये मैक्लेलैंडन है, ये बेसिकली ब्रांड है, इसको नहीं आपने सेल करना, इसको छोड़ दें। रूअफ़ज़ा ब्रांड है हमदर्द का। इसके अलावा मैक का एक और प्रोडक्ट है, मिज़ान है, हमदर्द रूअफ़ज़ा है, ये भी नहीं आप बेच सकते। यस, चिली मिली की ये पैकीफाई चिली मिली फेरी लाइट्स, ये प्रोडक्ट है 145 की ये सेल कर रहे हैं। ये मार्केट से
30 LED वाली 10 फीट्स की जो लाइट है, जो अराउंड आपको 80 रुपीज़, 70-80 60-70-80 के अराउंड मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए इतने में। तो ये 145 की सेल हो रही है, और इसके जो यूनिट हैं लास्ट 7 डेज़ के वो 568, और लास्ट 30 डेज़ के जो यूनिट सोल्ड हुए हैं वो 1760 हैं, और ऑल टाइम 21,000 यूनिट बेच चुका है। लास्ट 30 डेज़ में इसने तकरीबन 255,000 रुपये की सेल्स की है, बट यूनिट सोल्ड बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस बहुत कम है, तो इसलिए ऐसा आपको फील हुआ है। इसके अलावा ये मिनी पोर्टेबल्स, यानी पहले 4 से 5 प्रोडक्ट तो ब्रांड्स की थी, हम उनको नहीं सेल कर सकते, तो हमने कहा ठीक है हम उनको सेल नहीं करेंगे, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसी आई जो कि जनरल प्रोडक्ट थी, जो कि आम सेलर सेल कर रहे थे, तो मैं इस प्रोडक्ट को भी ओपन करूँगा, क्या पता इससे मुझे और आइडियाज़ मिल सकें। इसके बाद ये पोर्टेबल परफ्यूम है, इसको भी मैं ओपन करूँगा, इसकी भी सेल्स अच्छी हैं। इसके बाद टी वाइटनर है, ये नहीं बेच सकते हम। यस, 6 ग्रेड वॉशेबल वार्डरोब क्लोथिंग ऑर्गेनाइजर है, ये प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सेल है, 249 प्रोडक्ट सेल आ रहे हैं, तो इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। प्रोडक्ट्स आइडिया के नेम के एक मैं कलेक्शंस क्रिएट कर लूँगा प्रोडक्ट आइडिया के नेम से, डॉट कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड मैंने डॉट डाल के मैंने ये आइडियाज़ लिए थे, जो जो मुझे प्रोडक्ट पसंद आती जा रही है वो मैं इस कलेक्शन के अंदर ऐड करता जाऊंगा, ताकि ये मुझे याद ना करना पड़े, मेरे डैशबोर्ड के अंदर जो कि सेलर डैश का डैशबोर्ड है उसमें सेव रहे। तो उसके बाद हमने ये पैकिफाई की चिली मिली थी, उसके बाद मिनी परफ्यूम्स थे, वाइटनर भी ख़त्म हो गया, वार्डरोब, यस ये प्रोडक्ट मज़े की प्रोडक्ट्स थी, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और इसके क्या स्टैट्स हैं हमारे सामने, टी वाइटनर का सॉरी मैंने कर दिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, 6 ग्रेड, इसके स्टैट्स 493 वीकली सेल्स हैं, मंथली सेल्स 2 गुड, ऑल टाइम सेल्स 38,000 यूनिट बेच चुके हैं, 580,000 रुपये की ऑलमोस्ट ये तकरीबन सेल कर रहे हैं मंथली बेस पे। तो ये भी लाजमी बात होगी, लोकल मैन्युफैक्चरर होगा या कोई लोकल होलसेलर होगा जो इस सस्ती प्राइस पे बेच रहा होगा, क्या पता एक रिटेलर हो, आप इसकी प्राइस को बीट कर सकते हो। ये ग्लोइंग स्टार है, ये बहुत पुरानी हॉट प्रोडक्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं, 119 में बेकरी है, लेकिन ये ट्विंकल के आईब्रोज रेजर्स हैं, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी प्राइस से बहुत नीचे आ रहा है, लिप्टन हमारे नहीं कर सकते हम। यस, ये अंडरवेयर और सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है, ये समथिंग एल्स, एक नई प्रोडक्ट मुझे देखने को मिली है इस कैटेगरी की, जो कि एक अच्छी सेल्स जनरेट कर रही है, और इस चीज़ के ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे होंगे, अगर मेरा जो आइडिया है इस प्रोडक्टों को भी देख के हम एनालाइज करेंगे। तो पहली 40 में से अभी हम तकरीबन 20 पे भी नहीं पहुँचे, तो मुझे 5 से 6 ऐसी प्रोडक्ट मिल गई हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिनको हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो आप सोचें कि टोटल जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इस फिल्टर के ऊपर हमें मिली हैं वो तकरीबन 1 करोड़ प्रोडक्ट हैं। अभी मैंने पहला पेज एनालाइज़ किया है, इसके बाद मैंने सेकंड पेज करना है, थर्ड पेज करना है, फोर्थ पेज करना है, फिफ्थ पेज करना है, तो कितने आइडियाज़, कितने कीवर्ड्स, कितनी प्रोडक्ट्स मुझे मिल गई हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं। तो इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी जिसके थ्रू मैं देख सकता हूं। अब आइए चलते हैं जो सबसे पहले बंदे को हमने देखा था, तो ये ड्रीम वाइट के नाम से पर्सन है, जो कि क्रीम या हेल्थ एंड ब्यूटी से रेलिवेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है ज़्यादातर, स्किन वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स या उससे रेलिवेंट चीज़ें ही बेच रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं कि ये सर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। मंथली तकरीबन 2,40,00,000 रुपए की सेल है, और तकरीबन 486 मिलियन, आई डोंट नो कि ये 50 करोड़ के करीब बनती है अमाउंट, ये एक सिंगल सेलर सेल कर चुका है दराज के ऊपर, 2,40,00,000 रुपया मंथली सेल्स भी कोई कम सेल्स नहीं है। तो आई थिंक सो जब आप ब्रांड बन जाएंगे, और आई थिंक सो ये मेरी नज़र में भी एक लार्जेस्ट सेलर था, सवाए हायर और जो कि बड़ी लाखों वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक कम रेंज का जो सेलर है जो रैंडमली मेरी नज़र में आया हो और वो इस लेवल की सेल्स कर रहा हो, तो ये एक मोटिवेशन भी थी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और इसकी हम फर्दर प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं कि ये किस किस्म के उनकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये एक ही ब्रांड है भाई का,
और सेलर का, वो उससे रेलिवेंट ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाइटनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उनकी माशाल्लाह सबकी सब प्रोडक्ट बिक रही हैं। ड्रीम वाइट के नाम से ये ब्रांड है बेसिकली। अब ये पता नहीं पाकिस्तानी ब्रांड है या इंटरनेशनल ब्रांड है, बट ही इज़ डूइंग वेरी गुड, मैं कहता हूँ ब्रेवो। उसके बाद हम चले जाते हैं सेकंड पैकीफाई को। पैकीफाई भी क्या बेच रहा है, हमने एक प्रोडक्ट जो थी उसकी देख ली थी, जो कि हमने अपनी सेल्स में से निकाल के लेके आए हैं, जो कि 10 फीट LEDs बेच रहे हैं, उसकी सेल्स कर रहे हैं। उसके बाद ये चेरी की बलून्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट बेच रहे हैं। तो भाई की एक ही प्रोडक्ट बिक्री है और वही हिट है, और उसी की वजह से ये टोटली हिट चल रहे हैं। ये प्रोडक्ट तो मैंने अपने घर के लिए भी ली है, और ये 570 की बेच रहे हैं, और मुझे 180 या 200 की ये एक कोस्ट की थी एक लड़ी। तो इसमें इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आप देखें, मार्केट से फाइंड करें प्रोडक्ट्स, आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और आप इसमें से अर्न कर सकते हैं। ये SP डील्स को देख लेते हैं कि SP डील्स किस किस्म की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आपको एक प्रोडक्ट मिली, उससे इतने आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप काफ़ी कुछ हंट कर सकते हैं। अब जब मार्केट में जाएंगे तो आप क्लियर विजन के साथ जाएंगे कि अच्छा, मैंने इस कैटेगरी को आज देखना है, आज मैं एयरबड्स वाली कैटेगरीज को देखूंगा, तो ये एयरबड्स मुझे फाइंड करने हैं और इनकी ये प्राइस होनी चाहिए। अब जिस तरह से हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल गई है तो आप उसका कैलकुलेशन पहले से घर से करके जाइएगा। जिस तरह मैंने ये बताया, ये मुझे 180 के दरमियान मिल सकता है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और 180 मैं इधर पहले ही लिख लेता हूँ। 16% वैट है, 119 रुपये मैंने कस्टमर से मैंने शिपिंग लेनी है, तो कैलकुलेट करके 242 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। तो मुझे आइडिया कि यार ये मुझे 220 में भी मिलेगा ना, तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी है, 200 रुपये मुझे प्रोडक्ट मिलेगी। ये मुझे 240 या 250 के अंदर अंदर मिल जाता है, तो मैं 170-180 रुपये प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो आप इसको पहले से माइंड में रखिए कि यार ये अगर प्रोडक्ट मैंने फाइंड करनी है, ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो मुझे किस प्राइस पे सोर्स करनी है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये 70-80 रुपीज़ की मिलेगी, तो मैं 80 रुपीज़ परचेजिंग लगा लेता हूँ, 119 रुपये शिपिंग कस्टमर से चार्ज कर लेता हूँ और 20 रुपये पिक पैक शिप। तो वो कह रहे हैं कि नहीं यार, अगर 80 रुपये की मिलेगी ना, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ना आपको 6 रुपये लॉस होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इट्स मीन मुझे अगर मैं 50 रुपये की इसको फाइंड कर लेता हूँ तो 24 रुपये प्रॉफिट होगा। तो स्टार्ट लेने के लिए उस बंदे ने भी क्या पता ये किया हो, क्योंकि उसकी बाकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही, तो उसने एक प्रोडक्ट को एज अ होल सेलिंग लाइक नेट 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे बेचना स्टार्ट किया अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, ताकि मेरा एक दफ़ा स्टोर चढ़ जाए तो बाकी प्रोडक्ट भी बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। तो वो ये पर्सन क्या पता ये वाला फॉर्मूले पे काम कर रहा हो। तो जब भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं और आपको मार्केट की प्राइस का आइडिया होता है, तो आप आइडिया ले सकते हैं कि अगले बंदे की स्ट्रेटजी क्या है या सोचने का अंदाज़ क्या है, या तो उसकी सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग है, वो 40 रुपये के भी सस्ती प्रोडक्ट सोर्स कर रहा हो, तो ये आइडिया मिल जाता है। ये चीज़ें एनालाइज करते करते आपको आइडिया हो जाता है। तो ये आज थोड़ा सा एक न्यू वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग था, जो कि आपके साथ शेयर करने की कोशिश की मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो, हैशटैग क्वेश्चन लिख के आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और हंटिंग कर रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।